जैसे हम लोग का पूरा फसल बर्बाद हो गया है और पशुओं को ज़्यादा दिक्कत हुआ है, आम जनता मतलब त्रस्त व्यस्त है, कहीं से मतलब दो वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं। हम गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित शेरगढ़ गांव आए हैं। हम यहां पर लोगों से जानेंगे कि कब से वो इस बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं और उनके सामने क्या दिक्कतें हैं, कब से बाढ़ आई है यहां? अरे बाढ़ तो मैडम जैसे एक महीना से ऊपर हो गया। कैसे हाँ। रह रहे हैं आप लोग? रह रहे हैं कहा, जैसे पानी जैसे देख लीजिए आपके सामने जैसे है, हम लोग ऊपर छत पर रह रहे हैं, आप किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। तहसील के लेखपाल आए थे, राजस्व टीम आई थी, नाव लगा दी प्रधान के द्वारा, वही नाव से आप जीवन यापन लोग कर रहे थे, मतलब ऊंचे जगह पर जा रहे थे। आज इसका मतलब पक्का मकान उकान बन गया है, वो अपना छत पर गुजारा कर रहे थे किसी तरह से। हो रहा सब कुछ बांटेंगे। हमारा गांव पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, कोई जैसे कि एक दाई राहत मिली है और आकर के देख करके चले जा रहे हैं, देख कर चले जा रहे हैं। राशन एक दाई मिला है खाली और 2 लीटर मिट्टी का तेल मिल गया बस। बाढ़ में मदद के लिए आप लोगों को कितने दिन का राशन मिला? 10 दिन का राशन मिलल बा। हम लोग 10 दिन का कुछ नहीं मिलल बा। इतना हम लोग परेशान है, हमन के खोजवाइये कुछ नहीं, साधन नहीं बा हमने के, बस यही बात ने केहू इंक्वायरी करे गाँव में देखे आये ना कुछ करे आये। नाई से आवल जाला, नाई जाल जाला, सांप फांप ऐसे घूमन मोटा मोटा। सरकार से हम लोग सर यही अपील करना चाहते हैं कि मतलब राजघाट पुल से कुलियां भारत नेशनल NH 28 तक मतलब हम लोग चाहते हैं कि रिंग बांध हो जाए, जिससे हम लोग का आम जनजीवन अस्त व्यस्त न हो। हम मुख्यमंत्री साहब से यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग के लिए रिंग बांध दे दें, और नहीं तो फिर हमको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दें ऊँचे जगह पर। हम लोग हर साल बाढ़ का मार झेलते हैं, सांप गोजर आके घर में बैठ जाते हैं, किसी न किसी को काट भी लेते हैं, मर जाते हैं लोग, और बाढ़ में डूब के हर साल कोई ना कोई मर जाता है। रिंग बांध जिस दिन हो जाएगा तो यहाँ की जनता मतलब बाढ़ से मुक्त हो जाएगी। फिर We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.